मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, सब्जी में नमक की सही मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है। इससे शरीर में आयोडीन की कमी पूरी होती है और कई रोगों से राहत मिलती है। इसके अलावा खाने में नमक की कमी होने से फीकापन आ जाता है, वहीं ज़्यादा नमक सब्जी को कड़वा बना देता है। वैसे तो हर रसोई में सादा नमक इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत तरह का नमक होता है। सब्जी से लेकर फ्रूट और सलाद के लिए अलग अलग तरह का नमक इस्तेमाल होता है। आइए जानें आज 5 तरह के नमक और इनके फायदों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम सादे नमक की। इस नमक का इस्तेमाल हमारे आपके सबके घरों में किया जाता है। सादे नमक में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जो शरीर में आयोडीन की मात्रा पूरी करती है। वहीं ज़रूरत से ज़्यादा इसका सेवन करने से हड्डियों पर इसका बुरा असर पड़ने लगता है। इस नमक के बिना खाने का स्वाद मानिए अधूरा है, इसीलिए सही मात्रा में ही इसका सेवन करना बेहद ज़रूरी है। बात करेंगे समुद्री नमक की। सी सॉल्ट यानी समुद्री नमक समुद्र से प्राप्त होने वाला नमक का पहला रूप है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी रिफाइन इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल भी किया जाता है। खाने में ये भी नमकीन ही होता है। इसके इस्तेमाल से कब्ज, पेट से जुड़े रोग, सूजन, थकान आदि परेशानियों से राहत मिलती है। बात करेंगे अब काले नमक की। फ्रूट चाट, सैलेड, जूस, नींबू पानी और स्नैक्स के लिए ज़्यादातर इस नमक का इस्तेमाल किया जाता है। सादे नमक से इसके स्वाद में थोड़ा फर्क होता है। बहुत सी देसी दवाइयों में भी काला नमक शामिल किया जाता है। इससे बदहजमी, पेट दर्द, पेट की गैस आदि कई परेशानियों से राहत मिलती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसका सेवन सेहत को बिगाड़ भी सकता है। बात करेंगे अब लो सोडियम सॉल्ट की। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को डॉक्टर यही नमक खाने की सलाह देते हैं। इसमें सादे नमक की तरह ही सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड होते हैं, लेकिन इसकी मात्रा सादे नमक के मुकाबले कुछ कम होती है। दिल के रोगियों और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये फ़ायदेमंद है। बात करेंगे अब सेंधा नमक की। सेंधा नमक को शुद्ध नमक माना जाता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल लोग व्रत में करते हैं और इसे व्रत वाला नमक भी कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा सादे नमक की तुलना में ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें आयोडीन नहीं होता। यही वजह है कि खाने में लगातार इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी कमी से घेंगा रोग होने का डर रहता है, जो खासकर नमक से ही मिलता है। तो ये थे वो 5 तरह के नमक जिनको इस्तेमाल करने से आपको अलग अलग तरह के फ़ायदे होते हैं। उम्मीद करते हैं नमक से जुड़ी ये खास जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी जानकारी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।